क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मू। बहुत अच्छा किया जो तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की जात है। अब देख लो कैसे इज्जत से तुम्हें सबने खुशामदीद कहा है। ठीक कहती हैं आप। इज्जत और जिल्लत अगर इंसान के हाथ में हो तो इंसान दूसरे इंसान को एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करे। ये अल्लाह ही है जो दिलों को नरम करता है। जिस तरह इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाली भी वही जात है। अम्मा, अल्लाह जब किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत डालता है तो उसे ला हासिल क्यों कर देता है? बेटा, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है जिसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह की हिकमत में ही भला है। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, लेकिन डरती हूं अगर तुमने इनकार कर दिया तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी। ना सुनने की आदत जो नहीं है मुझे। आज तक आपके बेटे ने आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया, तो अब भी नहीं करूंगा। वादा करो। अम्मा, ऐसा क्या कहना चाह रही हैं आप कि आपको इतना यकीन है कि मैं इनकार कर दूंगा? मां हूं तुम्हारी, तुमसे बहुत बड़ी बात भी कह सकती हूँ जो शायद तुम्हारे लिए माननी नामुमकिन हो। समझ गया। आप ये कहना चाहती हैं ना कि मैं आशी को भूल जाऊं? नहीं बेटा, भूलना इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला ऐसे असबाब जरूर पैदा कर देता है कि भूलना मुमकिन हो जाता है। आपको जो कहना है कह दीजिए। शादी कर लो बेटा। आशी को भुलाने वाली आ जाएगी तो तुम भूल जाओगे आशी। ये भी बता दीजिए किससे कर लूं? उससे जो तुम्हें आशी से भी ज्यादा चाहती है। किसके बारे में गलतफहमी हो गई अम्मा आपको? माना कि हालात ने हम दोनों को जुदा कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी आ गई थी। भाई, इस खुशफहमी से बाहर आ जाएं। उसकी मोहब्बत में कमी थी तो उसने जमाने से हार मान ली ना। मैं मानती हूं जब आपने उससे इल्तिजा की तब उसका निकाह हो चुका था, लेकिन जब मैंने उसके सामने जाकर सच्चाई बताई तब उसकी बारात नहीं आई थी। एक लम्हा वो मेरी बात का यकीन कर लेती। क्या इतनी भी जरूरत नहीं थी उसकी मोहब्बत में? फरी, खामोश हो जाओ, मैं बात कर रही हूं ना, तुम जाओ। ठहरो फरी। मैं तो समझा था कि आशी के रवैये ने सिर्फ मेरी रूह को लहूलुहान किया। तुम्हारी बातों से आज लगा कि मेरे दुख को शिद्दत से समझने वाला कोई और भी है। सिर्फ समझते नहीं है तुम्हारे दुख को बेटा, उस दुख को कम भी करना चाहते हैं। क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? किसकी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं आप लोग? जिसकी तुमसे मोहब्बत का यकीन है हमें, और ये भी यकीन हो कि वो हालात से हार मानकर आपको छोड़ नहीं देगी। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई भी नहीं है। है भाई, लेकिन उसकी मोहब्बत को आपने कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा, माया को माफ कर दो, वो बहुत चाहती है तुम्हें।